आज हम गगनयान मिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हाय गाइस, यू आर ऑन स्माइल आईएएस यूट्यूब चैनल। आवर टैगलाइन इज वीर भोगे वसुंधरा। ये गगनयान मिशन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट स्पेस क्राफ्ट के द्वारा लोगों को स्पेस फ्लाइट के द्वारा यहाँ से अर्थ से बाहर 400 किलोमीटर तक भेजेगा। इसमें 3 मेंबर होंगे। ओके, अप टू 400 किलोमीटर यूजिंग स्पेस फ्लाइट, जो अभी इंडिया में है नहीं, इसको भी डेवलप किया जा रहा है स्पेस फ्लाइट को, और उससे और भी चीजों को, उसको उसके अलावा ट्रेनिंग दिया जा रहा है इन 3 मेंबरों को। ओके, जो कि हमारे आर्म फोर्स से होंगे, आर्म फोर्स, एयर फोर्स। ये करीब 3 डेज का मिशन है, उनको वापस भी लाना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। ऐसा भी जो टेक्नोलॉजी अभी करंट में यूज हो रहा है, वो स्पेस एक्स यूज कर रहा है। वहां पे जाके फ्लाइट वहां पे जाता है, फिर उसके बाद वापस भी आ जाता है, तो रीयूजेबल स्पेस फ्लाइट। ओके, सो अभी इंडिया में इसमें अभी ट्रायल में कई चीजें चल रही हैं। ओके, गगनयान प्रोजेक्ट इनविसेस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी बाई लॉन्चिंग ए क्रू ऑफ 3 मेंबर टू ए ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर ए 3 डेज मिशन एंड ब्रिंग देम बैक सेफली टू अर्थ बाई लैंडिंग इन इंडियन सी वाटर। ओके, उनको लैंड, जब वो वापस आएंगे तो उनको लैंड कराया जाएगा सी में। ओके, द प्रोजेक्ट इज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू ए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बाई कंसिडरिंग इन हाउस एक्सपर्टाइज इन एक्सपीरियंस इन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इंडियन एकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी अवेलेबल विद द इंटरनेशनल एजेंसीज। इसमें क्या है, जैसे अभी हमें सब कुछ पता नहीं है, तो हम लोग बाहर के देशों, स्पेशली रशिया और भी देशों से हम हेल्प ले रहे हैं। जैसे हमें पता नहीं, क्योंकि हमारा इट इज अ पहली बार है, पहला मिशन है, किसी हम ह्यूमन को अर्थ से बाहर भेज रहे हैं फॉर इंडिया। ओके, एंड फॉर इसरो। सो हम लोग उनका एक्सपीरियंस को जानना चाहिए, उनके डेटा को समझेंगे, और उनसे और भी क्या हेल्प ले सकते हैं, क्या उनसे जान सकते हैं, तो उन सब चीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसमें क्या क्या चीज चाहिए होगा। ओके, इधर देखो, वेरियस प्रिकर्सर मिशन प्लान फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द टेक्नोलॉजी प्रिपेयरनेस लेवल बिफोर कैरिंग आउट एक्चुअल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है नहीं बहुत चीज, तो हम उसको अभी डेवलप कर रहे हैं करने के लिए। जैसे इसमें इसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी हमें पहले अभी करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। ओके, इंटीग्रेटेड ड्रॉप टेस्ट क्या है, ये आप यहाँ देख सकते हो। इसमें ये आपको यहाँ ऊपर से ले जा रहे हैं और यहाँ से आपको छोड़ देंगे, तो ड्रॉप टेस्ट होगा। ओके, वाटर में ड्रॉप किया जाएगा। उसके अलावा पैड एबोर्ट टेस्ट होगा, उसके अलावा टेस्ट व्हीकल होगा, फ्लाइट्स सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑल सिस्टम विल बी प्रूवन इन अनमैन्ड मिशन प्रीसीडिंग मैन मिशन। जैसे किया जाएगा तो उसमें बिना आदमी के पहले स्पेस भेजा, वहां पे भेजा जाएगा, फिर वो वापस भी आएगा, तब उसके बाद उसमें मैन मिशन होगा। ओके, उसके बाद मैन भेजा जाएगा। आप ये देख सकते हो कुछ ऐसा ही है। यहां तक तो ये पूरा ये ऊपर ले जाने के लिए है। ओके, सॉलिड प्रोपल्शन है, लिक्विड स्टोरेज, ये क्रायोजेनिक स्टेज है। ओके, यहां से ये वाला जो पोर्शन है, यहां से यहाँ पे क्रू रहेगा, एक क्रू एस्केप सिस्टम, यहाँ पे ऑर्बिटल मॉड्यूल रहेगा, यहाँ पे जो भी चीज जरूरत होगा उस का होगा। ठीक है, जो भी चीज यहाँ पे जरूरत होगा इंसान के लिए तो वो है। ठीक, हम इसको सीधा बताते हैं, ह्यूमन रेटेड LM3 HLEM3। ओके, LM3 रॉकेट का नाम है। ओके, द वेल प्रूवन एंड रिलायबल हैवी लिफ्ट लॉन्चर ऑफ इसरो इज आइडेंटिफाइड एज अ लॉन्च्ड व्हीकल फॉर द गगनयान मिशन। ओके, इसी को ले जाया जाएगा, इसी रॉकेट से जाएगा। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज, अभी क्रायोजेनिक स्टेज अभी आपने देखा है उसमें। ऑल सिस्टम ऑफ LM3 लॉन्च व्हीकल आर रिकॉन्फिगर्ड टू मीट द ह्यूमन रेटिंग रिक्वायरमेंट एंड क्रेस्टेंड ह्यूमन रेटेड LM LVM3। ओके, LVM3
HLVM3 will be capable of launching orbital module. ये है orbital module, आपने दिखा ये red color का, to a intended low earth orbit up to 400 किलोमीटर. ओके, HLVM3 consists of crew escape system powered by a set of quick acting high burn rate solid motor which ensure the crew module along with the crew is taken to a safe distance in case of any emergency either at a launch pad or during the ascent phase. Okay, जैसे जनरली क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, सो उस केस में कैसे बचाया जाएगा वो उसके लिए बता रहा है. ऑर्बिटल मॉड्यूल विल बी द ऑर्बिटिंग अर्थ कंप्राइज ऑफ क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल. ऑर्बिटल मॉड्यूल इक्विप्ड विथ स्टेट ऑफ आर्ट एवियोनिक्स सिस्टम विद द एडेक्वेट रिडंडेंसी considering human safety. Crew module is a habitable space with the earth-like environment in the space crew. Okay, वहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया वहाँ पे इंसानों के रहने के लिए ऐसा बनाया जाएगा. It is a double-walled construction consisting of pressurized metallic inner structure and unpressurized external structure with the thermal protection system. It houses the crew interface, human-centric product, life support system, avionic and de-acceleration system. It is also designed for re-entry to ensure the safety of crew during the descent till touchdown. Service module. Service module provides necessary support to crew module. Okay. So while in orbiting, it is a unpressurized structure containing thermal system, propulsion system, power system, and avionic system and deployment of mechanism. जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने, क्योंकि हमारे पास कई टेक्नोलॉजी है ही नहीं. So new technology being developed for Gaganyaan. Human safety is a paramount importance of Gaganyaan mission in order to ensure the same various new technology comprising engineering system, human centric सिस्टम आर बीइंग डेवलप्ड एंड रियलाइज्ड. क्रू ट्रेनिंग, जैसे अभी क्या है, वहां पे जाओगे तो वहां का सब कुछ अलग ही होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी चेंजेस होगा और भी बहुत कुछ वहां पे चेंजेस होगा, तो उसके लिए इनको तैयार किया जा रहा है जो तीन लोग जाएंगे. ओके, एरोस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है एस्टेब्लिश की गया है बेंगलुरु में. ओके, टू कैटर द क्लासरूम ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस, सिमुलेटर ट्रेनिंग एंड फ्लाइट सूट ट्रेनिंग. उनको पहले इंडिया में ट्रेन दिया जाएगा, फिर बाहर भी ट्रेनिंग दिया जाएगा. उसके अलावा इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा नहीं है, जैसे ग्रेविटी से रिलेटेड और माइक्रो ग्रेविटी, सो उस सब का भी ट्रेनिंग होगा उनको. अभी तक क्या क्या हो चुका है, ओके, माइलस्टोन अचीव सो फार अब तक. ये क्रायोजेनिक वाला हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है क्रायोजेनिक क्वालिफिकेशन, ये टेस्ट हो चुका है. उसके अलावा ये यहाँ पे जो है ये वाला नीचे वाला हो चुका है. ओके, ये लिक्विड टेस्ट स्टेज इंजन है, क्वालिफिकेशन टेस्ट एंड सॉलिड बूस्टर, ये जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला भी हो चुका है. ओके, अभी तक. उसके अलावा इधर स्टैटिक टेस्ट फॉर ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम मोटर, ये हो चुका है. ओके, हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, और भी इसमें लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर हो चुका है. उसका प्रोपल्सन कैरेक्टराइजेशन टेस्ट हो चुका है, प्रोपल्सन कैरेक्टराइजेशन टेस्ट एंड इंटीग्रेटेड मेन पैरासूट एयर ड्रॉप टेस्ट, जो एयर वहां से छोड़ा जाएगा तो पैरासूट से तो जो समुद्र में गिरेंगे तो उसका भी टेस्ट हो चुका है. अभी क्या क्या करना बाकी है आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ड्रॉप टेस्ट किया जाएगा, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, तो इसका इसके बारे में पता चलेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है. ओके, टेस्ट व्हीकल मिशन, ये वह पैड एबॉर्ट टेस्ट होगा, अनमैंड फ्लाइट होगा. अभी जब ये सारा बन जाएगा तो इसको फिर भेजा जाएगा, अगर उसमें वो भी सेफ हो जाता है तो उसके बाद फिर ये मैंड फ्लाइट भेजा जाएगा. ओके,
सो ये यहाँ तक अभी तक हो चुका है, अभी मे बी नेक्स्ट 1 ईयर में इसको लॉन्च किया जाए। ओके, अर्लियर ये 2022 में डेट था, बट ये कोरोना के चलते अभी थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।